नमस्कार दोस्तों, मैं विजय, हिमाचल का निवासी। मैंने एक ऐसा पंप बनाया है जो बिना बिजली और बिना किसी मोटर के पानी को किसी भी हाइट पे ले जा सकता है। मैं आपको उसका एक मॉडल दिखा रहा हूँ, पहले उसको दिखा देता हूँ मैं आपको काम कैसे करता है ये। दोस्तों देखो, ये है मेरा पंप, वो कैसे काम करता है। ये इसका इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। आप जो देख रहे हो ये कालीसदार, ये माइक की है, ये आप देख सकते हैं। इसका इस पंप से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये इनपुट है इसका, इसको पंप को सप्लाई कहाँ से, ये कैसे काम करता है। ये इसका इनपुट है, ये देखिए कुछ नहीं लगा इसमें, खाली पाइप है, आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है, तार का कोई लेना देना नहीं है इसमें। अब ये इनपुट दिखा देता हूँ मैं आपको, ये पाइप है एक, मैंने इसको ये चलते हुए पानी में लगा दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने पाइप कुछ नहीं, खाली बहते हुए पानी में फिट किया है, ये लगाया है, कुछ नहीं है इसमें, देख सकते हैं आप। अब ये इसका इनपुट आ रहा है, अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पानी यहाँ से आएगा, ये चेक वाल्व है, यहाँ से जाएगा, ये इसका एक छोटा सा प्रेशर टैंक बना रखा है मैंने, पानी यहाँ से प्रेशर बना के। अब इसका आउटपुट दिखाता हूँ मैं, किस हाइट तक ले जा सकते हो आप, इसका आउटपुट देख सकते हो आप, कितनी हाइट पे ले गया है पानी को। पानी देखिए प्रेशर से बाहर आ रहा है, आप इसको जितना हाइट में, एक लिमिटेड हाइट में, आप जितना बड़ी बड़ा और जितने बड़े साइज में इसको पानी को ऊपर ले जा सकते हैं आप, बिना किसी खर्चे के, ना किसी बिजली के, ना किसी मोटर के। और इसको लगाने का सिर्फ एक बार खर्चा आएगा और आप इसको पूरी ज़िंदगी फ्री में चला सकते हो बिना किसी खर्चे के। ये मेरा छोटा मॉडल है, मैंने एक बड़ा भी बनाया है जो 2.5 इंची के बेस पे है, वो कम से कम पानी को 60 फीट हाइट पर सीधा ले जाता है बिना किसी खर्चे के। उसका ट्रायल भी मैंने किया था, वो भी कामयाब रहा है। इस पंप की कुछ खासियत भी है और कुछ इसको चलाने के लिए नेम भी है। इसके लिए आपको सिर्फ बहता हुआ पानी चाहिए, इसकी वन एंड ओनली कंडीशन यही है, इसको बहता हुआ पानी चाहिए बस, और इसकी कोई कंडीशन नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हिमाचल में पानी की कोई कमी नहीं है, कोई स्रोत जितने भी हैं वो सब बहते हुए हैं। जैसे इसमें इसको अगर बावली में एक बार लगा दे तो बिना किसी खर्चे के आपका पानी आपके घर तक पहुंच जाएगा बिना किसी खर्चे के। जैसे नदी में कहीं फिट कर दिया, आपकी ज़मीन हाइट पे है थोड़ी, नदी में लगा दो इसको, आपकी पूरी खेती बाड़ी के लिए सिंचाई का एक जरिया हो जाएगा 24 घंटे बिना किसी खर्चे के। जैसे दोस्तों आपकी अगर ज़मीन लगती है दरिया के किनारे या थोड़ी हाइट पे है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है, ऐसा एक पंप आप बड़े डायमेंशन में बना दो और वहाँ फिट कर दो, आपको ज़िंदगी भर के लिए सिंचाई की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इस पंप के बारे में आपको अगर कुछ जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। दोस्तों मैं इसको एक बार आपके सामने बंद करके दोबारा चालू करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपने पंप की टीम से, जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया इस पंप को तैयार करने में। यह है पाल मेहरा जी, मेरे बड़े भाई। ये हमारे मित्र हैं फौजी साहब, फौजी रिटायर हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं, हर तरीके से, हर एंगल से हमारी हेल्प की है ना, फाइनेंशियली या जो भी कह लो आप। और ये मेरा भांजा है, बीटेक कर रहा है, इसने पंप के लिए मेरा पूरा साथ दिया, पूरा डायमेंशन इसने बना के दिया है मेरे को। तो आप देख सकते हैं, ये है मेरा हाइड्रोलिक इंजेक्शन पंप, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मोटर के या फ्यूल के पानी को ये काफ़ी हाइट पर ले जा सकता है। इसका बड़ा वर्जन भी मैंने एक बनाया है जो 2.5 इंची का है, इससे मतलब 4 गुना आप लगा सकते हैं, 4 गुना बड़ा। वो पानी को या इस दरिया से लगभग ये जो आप हाइट देख रहे हैं यहाँ तक आराम से ले जाएगा, इससे भी और ऊपर ले जा सकता है वो। आप जितना बड़ा बनाओगे उतना पानी ऊपर तक पहुँचा सकते हो बिना किसी खर्चे के, बिना किसी। मैं INC मीडिया का भी तहे दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने मेरा ये पंप पूरी दुनिया के सामने पेश किया।